सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्लिट विद गैप। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे स्प्लिट एलिमेंट का हम लोग यूज कैसे करते हैं, अब देखेंगे हम लोग स्प्लिट विद गैप का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि आप मैंने रैबिट में आप देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पे वॉल बनाया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट एलिमेंट करता हूँ, जो कि मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। स्प्लिट एलिमेंट में क्या होता है, हमारी वॉल कट होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वॉल कट होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये वॉल मेरी कट हो गई। अब जैसे मैं इसको 3D में दिखाता हूँ आप लोग को, तो ये मेरी क्या है, वॉल बस कट हुई है। बट स्प्लिट विद गैप में क्या होता है, आप लोग का एक गैप आ जाएगा आपके वॉल में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं स्प्लिट विद गैप को, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई टैब में जाएंगे। इस मॉडिफाई रिबन में आपका ये जो पहला ऑप्शन रहता है वो आता है आपका स्प्लिट एलिमेंट, और जो सेकंड ऑप्शन आपका वो क्या है, स्प्लिट विद गैप। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा, यहाँ पे दिया है जॉइंट गैप, ठीक है। अभी 100 दिया, 100 mm का गैप आ जाएगा मेरा यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्लिक करा, 100 mm का गैप आ गया। अब जैसे इसको कर दिया 50, यहाँ पे 50 mm का गैप आ जाएगा। अब इसको कर दिया मैंने 200 mm का गैप आ गया। अब इसको कर दिया मैंने 300 का गैप आ गया। अब इसको कर दिया मैंने 350। अब ये हमको और ज़्यादा गैप करने नहीं देगा। तो एक गैप की रैबिट आर्किटेक्चर में एक लिमिट होती है, वो उसी लिमिट तक इसको क्या करेगा, गैप कर पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू स्पेसिफाइड इज आउट ऑफ रेंज, एंटर अ नंबर बिटवीन 1.6 एंड 304.8। इतने तक आपका रैबिट आर्किटेक्चर गैप कर सकता है कोई भी एक वॉल में, किसी भी चीज में, ठीक है। तो अगर मैं इसको 304.8 लेता हूँ लास्ट वैल्यू, तो ये आपका इतना भी गैप करके देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्प्लिट विद गैप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सब में क्या है, लॉक लगा हुआ है। अब जैसे भी कोई भी मैं एक वॉल को यहाँ पे मूव करता हूँ, तो ये सारे के सारे एक साथ मूव होंगे। अगर आप इसको अनलॉक करते हैं यहाँ से, और जब इसको मैं इसको मूव करूंगा, तो ये क्या होगा, रैंडम बस मेरा ये, अभी शायद ये अनलॉक नहीं हुआ, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक हो गया मेरा, और ये इधर है, इसको अनलॉक किया, इसको मूव करूंगा, इसके साथ लगा हुआ है, इसीलिए ये भी हमारा अब इस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको मूव करूंगा, ठीक है, ये मूव हो रहा है मेरा। तो इस तरीके से आप लोग स्प्लिट विद गैप को यूज करेंगे, और आप लोग को वो लॉक अनलॉक का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अपने वॉल को या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप अच्छे से मूव कर पाएंगे। अनलॉक करेंगे तभी अच्छे से वो मूव होगा, फ्रीली सेपरेटली मूव होगा। अगर आपका लॉक रहेगा तो वो एक साथ मूव होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैबिट के बारे में और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच।